नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में शिवरूप टेक्नोलॉजी। तो आज बताएंगे आपकी का जो है कंप्रेसर था एल्युमिनियम बाइंडिंग, उसको जो है आज हम कॉपर बाइंडिंग किए हैं। जब एल्युमिनियम से कॉपर बाइंडिंग करिएगा तब उसमें एक ध्यान रखा जाता है, उसमें एल्युमिनियम मोटा रहता है ना, तो उसको घटा करके एक पतला किया जाता है, यानी कम से कम आधा कम से आपको पतला करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में भी आधा और रनिंग में भी आधा, तो आधा करके जो है उसको तब बाइंडिंग किया जाता है। टर्न्स सेम रहेगा, टर्न्स में कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लीजिए। कहीं और नहीं भाई, मेरे वीडियो में। तो ये देख लीजिए, ये खुला बॉडी चाइनीज कंप्रेसर है, छोटा सा ही है। तो आप वीडियो में देख ही लिए होंगे, छोटा सा खुला बॉडी है। तो उसका जो है कोर साइज है, कोर साइज देख लीजिए 6.6 cm, जो पूरा कोर का जो साइज होता है वो। और इनर जो डाया है उसका गोलाई आपको हर एक वीडियो में बताते हैं, उसका इनर डाया है 5.4 cm। ठीक है, और पूरे बॉडी का जो आउट डाया है, आउटर डाया 11.6 cm है। उसके बाद स्टैम्पिंग साइज है, स्टैम्पिंग यानी अंदर की जो गोलाई, जो गोलाई की साइज होगी वो होगी 6.6 cm। उसके बाद आप देख लीजिए रनिंग का SWG एल्युमिनियम में है 18। तो उसको हम क्या किए, कॉपर जो है 18 एल्युमिनियम है, तो उसको जो है आप जब एल्युमिनियम टू कॉपर बाइंडिंग करिएगा तो एक जो है घट, मतलब मोटार की जो पतला होती है एक नंबर घटाया जाता है। ठीक है, एक नंबर घटा मतलब सॉरी बढ़ाया जाता है, तो बढ़ाइएगा तो पतला होगा और मतलब घटाइएगा तो मोटा होगा। तो हमने जो है उसका एक आधा पॉइंट जो है 18 एल्युमिनियम था, तो 2 कॉपर हम कर दिए हैं 18.5, यानी उसका जो मोटाई एल्युमिनियम का होता है वो बेसी ज़्यादा होता है, और 18.5 किए। और ये जो है सिंगल ही है, डबल नहीं है, 18.5 सिंगल है। और टर्न्स देखिए, टर्न्स 17, 31, 31 और 31, ये टर्न्स है। और जो है एल्युमिनियम को जो है वेथ है, इसका जो वजन है रनिंग का था 300 ग्राम, तो एल्युमिनियम टू कॉपर जो होता है गुने होता है 3 गुना, यानी 300 ग्राम है तो टोटल हो जाएगा 900 ग्राम, और ये एग्जैक्ट 900 ग्राम लगा है। ठीक है, थोड़ा सा बचा है 900 ग्राम से, तो ये 900 ग्राम लगा। उसके बाद टर्न्स आप देख लीजिए, अब स्टार्टिंग का देखिए, स्टार्टिंग का एल्युमिनियम था 20.5, तो 2 कॉपर हम किए हैं 21, और ये भी सिंगल है, सिंगल 21। ठीक है, अब टर्न्स देखिए, टर्न्स है 26, 60 और 60, 3 का सेट कैसे, ये जो रनिंग वाली 17 है, ये 17 पे जो है 26 चढ़ेगी, यानी एक छोटी क्वाइल होने के बाद ये इस पे चढ़ेगा आपस में, जैसे आप 5 ब्लेड का बनाते हैं वैसे ये जो है चढ़ेगा, एक एक क्वाइल उस पे जाएगा, सिंगल और सिंगल चढ़ेगा। ठीक है, 2 कॉपर, उसके बाद जो है 60 और 60 है, तो ये 2 तो बड़ा बड़ा है, 60 और 60। उसके बाद देखिए रनिंग में, ये मतलब स्टार्टिंग का जो वजन है इसमें है 200 ग्राम, तो इसे 3 से गुना करिए तो हो जाएगा टोटल 600 ग्राम। ये स्टार्टिंग का है, यानी 3 गुना बढ़ाया जाता है इस सभी में, तो स्टार्टिंग में लगा 200 ग्राम, तो हम 3 गुना किए तो 600 ग्राम हो गया। और रनिंग का आप करिएगा तो रनिंग में
था 300 ग्राम तो करिएगा तीन गुना तो हो जाता है। देखिए टोटल करके हम जो है गुना करके किए हैं तो टोटल जो है 900 ग्राम रनिंग का जो है टोटल रनिंग का जो है 900 ग्राम लगा है तो 600 टोटल जो तार लगा है 600 ग्राम और प्लस 900 ग्राम तो हो जाता है 1 किलो 600 ग्राम केजी। ये दोनों मिलाकर तार होता है 1.6 केजी होता है ये। तो यही है इसका बाइंडिंग डाटा एल्युमिनियम टू कॉपर में। जो 1 किलो 600 ग्राम देख रहे हैं ये जो है 50 ग्राम जो रनिंग का और स्टार्टिंग का बढ़ा दिया गया है तब ही इतना हुआ है, क्योंकि एग्जैक्ट उतना ही लगेगा तो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है ताकि अब घटे ना।